गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए इसमें पादपों में पोषण, अर्थात पादप का अर्थ होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे कहलाएंगे ना, और पोषण का अर्थ होता है उनका उनका न्यूट्रिशन, उनका विकास होना, है ना, मतलब पोषण करना। पोषण करेंगे अर्थात भोजन करेंगे तभी तो वो ग्रोथ करेंगे, बड़े होंगे। जैसे आपने 6th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि भोजन हमें कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, तो उसमें हमने शाकाहारी जीवों के बारे में पढ़ा था, मांसाहारी जीवों के बारे में पढ़ा था, और सर्वाहारी जीवों के बारे में पढ़ा था, शहद के बारे में पढ़ा था जिसे हम मकरांद कहते हैं, है ना, और बीजों का अंकुरण के बारे में पढ़ा था। आज तो हमको यहीं से पढ़ना है अब पेड़ पौधों का पोषण कैसे होता है, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं सभी जीव जंतुओं को क्या करना होता है, भोजन करना होता है ना, अर्थात अपने विकास के लिए, अपने अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, भोजन की होती है। तो ऐसे जैसे हम जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है बच्चों, ऐसे आपके पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो उनको भोजन कौन देता होगा, कहां से मिलता होगा उनको भोजन, चलो तो हम देखते हैं। तो आप लोगों ने कभी पेड़ लगाया है ना, पेड़ में पानी डालने जाते हैं तो वही तो उसका भोजन है, वही पानी। पानी वो क्या करता है, मिट्टी से अब्सॉर्ब करता है। तो क्या पानी बस से जीवित रह जाता है, नहीं, तो पानी बस से तो जीवित नहीं रहता। तो पानी में और क्या, मिट्टी में लगा होता है, तो मिट्टी में क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज लवण होते हैं, है ना, और क्या बताओगे, और क्या कैसे बनाता होगा वो भोजन, वो तो मिट्टी में खड़ा रहता है। तो देखो सूर्य का प्रकाश भी तो होता है, तो सूर्य के प्रकाश से वो क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। तो कैसे बनाता है, तो आइए जानते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। और जैसे आप चिंती पेड़ पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पेड़ जैसे ये आपका एक प्लांट है, तो देखिए तो ये आपका क्या है, प्लांट है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, प्लांट आपके खुले स्थान में हम लगा रहते हैं ना पेड़ पौधे, और वो क्या करते हैं, सूर्य से फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, और जड़ों से क्या लेते हैं, क्योंकि हम मिट्टी में क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, तो ये पानी क्या करते हैं, पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं, क्या करते हैं, पत्तियों तक, किसके द्वारा, इन जड़ों द्वारा, ठीक है। और जब मिट्टी में क्या होता है आपका, खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज लवण होते हैं, तो उनको भी ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अर्थात जड़ों की सहायता से क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, एकत्रित करके ये कहां पहुंचाते हैं, तने की सहायता से, ये क्या कहलाता है आपका, तना कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तना, ठीक, तना कहलाएगा। अब इसमें ये तने के द्वारा कहां पर जाएंगे, ये पानी और खनिज पदार्थ किसमें जाएंगे, आपके पत्तियों पर जाएंगे, कहां पर जाएंगे बच्चों, पत्तियों पर। अब पत्तियां क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण इसे हम कहते हैं। तो आओ इसकी हम रासायनिक क्रिया देखते हैं कि ये कैसे करते हैं, क्योंकि हम क्या, हमने सुना है या फिर हमने पढ़ा भी है शायद, है ना, कि हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 छोड़ते हैं ना, अब बहुत अधिक मात्रा में, दिन भर हम सांस लेते रहते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, और पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, क्या देते हैं, शुद्ध हवा, शुद्ध हवा मतलब ऑक्सीजन देते हैं। तो आइए देख पता करते हैं कैसे ऑक्सीजन देते हैं। तो जब हमने बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, जैसे हमने 6 मॉलिक्यूल अर्थात 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के ले लिए, और चूंकि पानी उसको कहां से मिला, जमीन से मिल गया, तो पानी के हम क्या ले लेते हैं, 12 अणु ले लेते हैं, ठीक है, अर्थात H2O। और हमने पढ़ा है कि पेड़ पौधों से हमें भोजन प्राप्त होता है, छठवीं में आपने पढ़ा है ना, तो छठवीं में हमने पढ़ा है कि पेड़ पौधों से भोजन, तो भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है ना।
तो देखिए अर्थात एनर्जी हमको कहां से मिलती, ग्लूकोज से, कार्बोहाइड्रेट से, हमने जमीन पढ़ा था ना। तो देखो जब हम क्रिया कराते हैं अर्थात ये आपस में एक दूसरे से क्रिया करेंगे, कहां पर, पत्तियों पर, पत्तियों में किसकी उपस्थिति में करेंगे सर, तो क्या बताओगे, ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, यूवी से, सूर्य के प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करेंगे, यूवी से, और यहाँ पर लिख लेंगे क्लोरोफिल, क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल, इसी को हम क्या कहते हैं, पर्णहरित भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्णहरित। देखो अब इसकी क्रिया कराएंगे अर्थात, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, C6H12O6+, और क्या बनेगा, क्योंकि वाष्पीकरण की विक्रिया होती है ना, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 6H2O+6O2, ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन। अब हमको ये कैसे बन गया सर, कैसे बनाए, तो देखो क्या बताओगे, जैसे यहाँ पर देखो कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन, 6 का गुणा सब के साथ करना है, 6 का गुणा सी के साथ करोगे, 6 का गुणा ऑक्सीजन के साथ करोगे, 6 का कार्बन के साथ किए तो 6 कार्बन हो गए, तो यहाँ पर कितने आ गए, 6 आ गए, गिनते जाना ठीक है सब कोई। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 6 × 12, ये आ गए आपके पूरे 12 हमने यहाँ लिखी। तो देखो आप ये बता सकते, ये आ गए आपके 6 × 12 ठीक, और इसमें देखो ये क्या आ जाएगा आपका, पानी, पानी के 12 × 24 24 है ना, तो देखो 12 ये हो गए और 6 × 12 ये हो गए, तो ये कितने हो गए आपके, 12 × 24। ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 12 ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ के और 6 ऑक्सीजन यहाँ, ये क्या हो जाएगी आपकी, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो जाएगी ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, यहाँ पर क्या बनेगा, जल, और यहाँ पर क्या बनेगी, ऑक्सीजन, क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन बन जाएगा इतना। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है।